है। और जैसे मैं मान साहब से मेघ श्याम जी से कह रहा था उसी समय कि ये 15 मिनट का समय जो आपने पहिया घुमाया है ये सही बात नहीं है, क्योंकि हम तो अपना मानस बना चुके थे दूर जाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि इस 15 मिनट के समय में लोग अपनी अपनी सभ्यता का, आप संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। जिन लोगों को मैं कुछ देर पहले बहुत अच्छा समझ रहा था कि ये बहुत अच्छे खानदान से हैं, अभी 15 मिनट में पता चल गया कि वो कितने बिगड़े हुए और भरण शंकर हैं। लेकिन हम अपने दायरे में और अपनी सभ्यता में ही अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। और रही बात जगरोटी काठेर की, हमारे भाई साहब हैं चटनंगला वाले, वो डागोर हैं, हम उनसे तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने भी कहा कि भाई डागोर भैयाओं से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डागोर भैयाओं से मेरा निवेदन है कि इस तरह की सभ्यता भी आप प्रदर्शित नहीं करें, हमारा भी नाम बदनाम होता। और कहा है तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे मामा जी, और जान क्या बचाओगे। तो ये जब कृष्ण और कंस के समक्ष आते हैं तो किस प्रकार से बयानबाजी होती है, 2-3 चुटकुले सुनाएंगे, फिर हम आपको एक भजन प्रस्तुत करेंगे और 15 मिनट में ही कोशिश करेंगे। मथुरा के मामा जी, और जान क्या बचाओगे, मथुरा करके बहुत सारी कथनियां होती हैं और कलम का दुरुपयोग किया जाता है। हम छोटी सी 2 लाइन और सुनाते हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति के दायरे में, थोड़ा सा मजाक करते हैं क्या। हो जब हल्दी मिली चूहे के हाथ में, क्या बात है, एक कव्वाली के माध्यम से कि जब चूहे को जब हल्दी मिल जाती है तो अपने आप को पसारी समझ लेता है, और जब कोई ऊट पटांग कलम चलाना सीख जाता है तो यह मंच से आकर के सज्जन लोगों का कानों में, और वो इस तरह का शीशा खोलता है कि लोग गालियां सुनते हैं, गालियों पर तालियां बजाते हैं, वो चंद लोग ही होते हैं, लेकिन जो अच्छे हृदय वाले व्यक्ति हैं उन्हें गालियां पसंद नहीं आती। वो जब हल्दी मिली चूहे के हाथ में, उसका पढ़ना पसारी गजब हो गया, और नहीं मारी गई आज तक मूसली, नहीं मारी गई आज तक मूसली, नहीं मारी गई आज तक मूसली, उसका बनना शिकारी गजब हो गया, उसका बनना शिकारी गजब हो गया, उसका बनना शिकारी गजब हो गया। एक छोटा सा भजन लेंगे और देखिए किस प्रकार से व्यंग भी किया जाता है और सभ्यता के दायरे में किया जाता है। ऐसे नहीं कि तू सारो तेर बाप सुसर और तेर बहन हमारी घरवारी, खाड़े खाले खाड़ बिदाना देनी लुच्ची तेरी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है।
और देखो ये तो हमारे सब परिवार के लोग हैं, हमें शर्म आती है कि हम ऐसे बुजुर्ग लोगों के सामने इस तरह की सभ्यता का प्रदर्शन करें, पर क्या करें, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। एक छोटा सा भजन लेते हैं कि जब सहदेव के समक्ष शकुनी मामा आता है तो शकुनी मामा से संबोधित करते हुए युद्ध के मैदान में सहदेव क्या कहता है, वो दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या बात बेटा, और क्या होगा 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 जरा सोचना था, वो लड़ने लगा ओ मामा तुझे हो, लड़ने लगा ओ मामा तुझे होश ना था, और क्या होगा 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 तुझे सोचना था, क्या होगा 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 तुझे सोचना था, ओ क्या होगा 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 तुझे सोचना था, लड़ने लगा ओ मामा तुझे तेरी की हुई है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और किस प्रकार से कहता है सहदेव, पासों का पास तेरा आज तोड़ डालूंगा, पासों का पास तेरा आज तोड़ डालूंगा, पासों का पास तेरा
पुरस्कार मोहन सिंह जी मार साहब कटारा निवासी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज तेरे पाप के घड़े को फोड़ दूंगा, जो तूने ये पाप का घड़ा भर गया है ना तेरा, आज तेरी मृत्यु समीप है और ये 15 मिनट का राउंड ऐसे ही ले लिया है। फिर किस प्रकार से अंतिम कड़ी में एक बहुत ही अच्छी बात क्या कही सहदेव ने, बेटी समा